करता हूँ और चला जाता हूँ इस वाले घर में, क्योंकि इस वाले घर में था। अब देखो यहाँ का कुछ सीन समझ में नहीं आया। अभी ये देखो क्या है, मतलब ये क्या है भाई। हेलो, मेरे को लगा कुछ ग्लिच से बंदा नहीं दिख रहा होगा, उसका गन सो रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं था। देखो M249 का फ़ायदा, मतलब मैं बजाते हुए सीधे ढोलक उसके। तो क्या हाल चले दोस्तों, आ गए एक और नई कमाल के पबजी मोबाइल वीडियो के साथ वापस। तो आज आया हम पोचंकी, तो पोचंकी का जलवा और मेरे M416 गन का कमाल। तो बस आप वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, कुछ मचाने वाले इस मैच में धमाल। तो आज ये मैच थोड़ा खास होने वाला है, क्योंकि हम खेल रहे हैं मिस्टर नयन दास के साथ, जो कि एक यूट्यूबर है जिनके यूट्यूब चैनल पे 3 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। तो मैं उनका स्ट्रीम देख रहा था, तो उन्होंने बोला पैंथर भाई आपको अगर खेलना है तो आ सकते हो। तो मैं मैच स्टार्ट किया और देख सकते हो कि मैं पहले रिकॉर्डर ऑन नहीं किया था, फिर मैं सोचा क्या एक गेम प्ले अगर निकल जाए इनके साथ तो बहुत अच्छा होगा। तो खैर ये पहले बोट आता है तो मैं इसको मार देता हूँ, और उस साइड से मतलब हेल्प का साउंड आता है, मिस्टर नयन दास बुलाते हैं कि इधर बंदे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सीन था कि ऑल पे कुछ ज़्यादा भसर हो गई थी पोचंकी के लिए, लेकिन यहाँ पे कुछ इतने खास बंदे आते नहीं है। तो मैं चला जाता हूँ नयन भाई के पास, क्योंकि उनके पास बंदे थे। तो उसके बाद मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो उन्होंने ऑलरेडी मतलब एक दो बंदे नॉक करके फिनिश कर दिए थे, और जो अपना 3 नंबर और 4 नंबर है रैंडम था, जो कि पता नहीं कहीं और ही उतर गए थे, लेकिन वो सब काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, मतलब जिस साइड उतरे थे बजाए जा रहे थे बंदे। तो मैं यहाँ पे एक और मतलब नॉक करता हूँ और उसके बाद फिनिश भी कर देता उसको। तो यहाँ से मतलब जाता हूँ आगे, तो उसको कर दिया था खूंटी पे लटका के, नंगा बारी थी उसके टीममेट से लेने को पंगा, लेकिन कुछ ऐसा सीन था यहाँ पे उसके तो टीममेट थे ही नहीं। तो जो भी एक आध बोर्ड थे पहले उनको मार देते, और वीडियो में मतलब क्या ही क्लच आपको देखने को मिलेगा, तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना ज़रूर। और बैक टू बैक तुम्हारा भाई एक हैकर को भी मारने वाला है, तो बस इंजॉय करना। और यहाँ पे कुछ बोर्ड थे तो उनको मार देते और थोड़ा लूट लेके हम यहाँ से निकलते। और यहाँ से निकलने के बाद सीधे हम जाते बंदे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे स्कूल के अपार्टमेंट नहीं है मतलब स्कूल ही है। तो खैर अपार्टमेंट के साइड भी बंदे थे और रोजक के पहाड़ पे भी बंदे थे। तो पहले हम अब ये मतलब यार जिसको भी ये स्प्रे मतलब अच्छा लगा हो, मतलब काफ़ी दूर था रेड डॉट से, यार मारना बहुत दिक्कत होता है इतने दूर का। तो कुछ हिस्सा दिख रहा था तो मुझे लगा कि शायद से अगर लग जाए तो मार सकता हूँ, तो लकली उसको शॉट लग भी जाता है और पता चल जाता है कि हाँ भाई बंदा है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ अपने टीममेट को कि एक नॉक है, चलो हम रश कर सकते हैं उस पर। तो नयन भाई आते हैं व्हीकल लेके, तो मैं यहीं पर रुक जाता हूँ और नयन भाई चले जाते हैं इस सामने जो आपको राइट साइड में जो घर दिखता है रोजक का, तो वहाँ पर। तो मैं यहाँ से आगे जाता हूँ और ऐसे ही मतलब यहाँ पे एक बंदा मैं नॉक मिस कर देता हूँ। अब तभी मतलब जो 4 नंबर था वो साथ में आ जाता है, तब यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एमओ भी नहीं थे, और भाईजन यार मतलब क्या ही चूतिया गन है, मेरे को तो चूतिया ही लगता है। तो खैर यहाँ पे मैं थोड़ा स्मोक वगैरह जो भी नेट वगैरह होता है मैं कर देता हूँ, और ये 4 नंबर आगे आगे मतलब चला जाता तो मतलब यार बेकार का चोरी हो गया, नहीं आता तो अच्छा होता। तो यहाँ पे यार दोनों ही को भर दिया इसने, मतलब मैं बता रहा हूँ ना काफ़ी अच्छा खेल रहे थे ये लोग। और खैर लेकिन यहाँ पे एक किल मिला मेरे को, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे लूट रहे थे तो काफ़ी मतलब काफ़ी देर से गन साउंड भी आ रहा था, कि मतलब लग रहा था कि हाँ यहाँ पे बंदे हैं। तो हम तो ऊपर से मतलब देखते एंगल बनाने की कोशिश करते कि शायद से कोई दिख जाए, तो उस साइड से नहीं दिखता। तो मैं आता हूँ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कि लेफ़्ट साइड से कुछ दिख जाए, और यहाँ पे मैं चेक भी करता हूँ पहले। और यहाँ पे मतलब आपको कवर फायर देखने को मिलेगा, मतलब आप कैसे फायर करते करते कवर में जा सकते हो। तो वहाँ से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो मैं आता हूँ यहाँ पे। अब नयन भाई तो चले गए थे आगे, मैं फंस गया था पीछे। अब वहाँ पे ऊपर 2-3 बंदे थे जो कि मेरे पे कंटिन्यू फायर किए जाते, लेकिन मैं भी अपना
कवर फायर दे रहा था जिसकी वजह से वो नहीं मार पाया। और जैसे मैं यहाँ पे हिल लगाने के लिए रुकता हूँ तो वैसे ये मतलब ये टीम में ये जो बंदा था ये अलग टीम का था जो कि नॉक होते ही फिनिश हो गया था। मतलब ये तो फूटी पे भी नहीं लटका। तो यहाँ पे रिवाइव मिलता और जब तक मेरे को रिवाइव मिलता मतलब ये लोग यार सब बंदे को किल दिए थे यार, क्या है मतलब चूतिया कट गया। यहाँ पे भी किल नहीं मिला लेकिन अब यहाँ पे सब रिवाइव हो जाते हैं तो इनसे हम थोड़ा लूट लेते हैं। अब आगे का जो ही फाइट होने वाला है ना यार उसके लिए तो आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो तभी यहाँ पे एक व्हीकल आती है तो मैं सोचता हूँ कि उसको पीछे से मारूँ लेकिन वो काफ़ी आगे था तो मैं सोचता हूँ कि आगे से जाके मार दूँ। और देखो भाई से मतलब क्या ही मतलब किल यहाँ पे भी चोरी है। मतलब यार दिमाग ख़राब हो रहा था और लेकिन खैर कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आपके भाई का मतलब कमाल स्टार्ट होगा और यहाँ का क्लच मतलब बैक टू बैक और एक हैकर को मारूंगा। तो वीडियो को भी लाइक कर दो और चैनल पे पहली बार दो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब यहाँ से निकलते तो अपार्टमेंट के आगे मतलब कुछ ज़्यादा ही भसर हो रखी थी। यहाँ पे फाइट देख सकते हो फाइट ही फाइट चलती है। तो मैं यहाँ पे M4 निकालता हूँ और एक स्कूटी पर लटका के सीधे हम लोग भेज देता हूँ और दूसरे बंदे को थोड़ा डैमेज देता हूँ और मैं चला जाता हूँ सामने ट्री के पास जो कि एक कवर सा था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले यहाँ पे मैं एक स्मोक कर देता हूँ कि और क्योंकि स्मोक करने का रीज़न था क्योंकि इस साइड भी देख सकते हो लेफ्ट साइड में मार्क किया मेरे टीममेट ने तो वहाँ पे भी बंदे थे और सामने भी पूरी एक स्क्वाड थी और एक स्क्वाड अभी राइट से आने वाली है। तो आप बस देखते रहो और यहाँ पे स्मोक किया तो इसका फ़ायदा देखो क्या ही मिला मेरे को। अब राइट साइड में आ गया था बंदा तो यहाँ से मैं थोड़ा शॉट लेने की कोशिश करता हूँ लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता है। तभी मेरा जो तीन नंबर होता है वो नॉक हो जाता है तो जो सामने मैंने स्मोक किया था उससे काफ़ी हेल्प मिली उसको रिवाइव में और यहाँ पे भी एक स्मोक था तो बच गया। और तभी उनका एक बंदा रश करता है जिसको मैं रास्ते में मतलब खूंटी पर लटका के सीधे हम लोग भेज देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास एमओ की बहुत कमी थी तो मैं लिखता हूँ कि मुझे एमओ चाहिए लेकिन मुझे मिलता ही नहीं है, कोई देता ही नहीं है। तो खैर यहाँ से मैं आगे रस्ट कर देता हूँ और तीन नंबर मेरे आगे आगे होता है और जो एक बंदा हमें मार रहा होता मतलब दिख ही नहीं रहता है क्योंकि वो लेटा होता है। तो खैर इसको सीधे हम लोग भेज दिए खूंटे पे लटका के। और उसके बाद जो इसका दूसरा बंदा होता है देखो उसको कैसे मारते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे मतलब एक पूरा क्लच हो चुका है तो जिसको भी अच्छा लगा हो एक यार एक लाइक कर देना। और मेरे को पता है कि इतना अच्छा गेम प्ले नहीं है लेकिन जैसा कि आप देख भी सकते हो कि मैं रिकॉर्ड कितने देर के बाद किया हूँ। तो मतलब आप खेल रहे आप किसी के साथ खेल रहे हो तो यार अच्छा लगता है खेलने में, बस यही आपको दिखाना था। और जो मेरा तीन नंबर है वो नॉक हो चुका है तो उसने बताया कि मैं सैक के अंदर था मतलब बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था तो उसने पता नहीं कैसे मार दिया शायद सो हैकर होने वाला है। तो हमने बोला चलो कोई बात नहीं तो मैं थोड़ा कवर टू कवर जाता हूँ और नैन भाई जो होते हैं वो चले जाते आगे के साइड ओपन से। तो उसका हाल देखो बस तुम तो यहाँ पर मैं हेड हेड बजा के खूटी पे लटका दिया और उसके जो टीममेट था मतलब उसको तो मैं सीधे ही हम लोग भेज दिया। तो यहाँ पे भी एक डुओ वाइप हो चुका है हैकर के साथ। तो उसके बाद हम निकलते बंदे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे और यहाँ पे गन साउंड आया था तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ पूरा राइट से रोटेट करता हूँ और चला जाता हूँ इस वाले घर में क्योंकि इस वाले घर में था। अब देखो यहाँ का कुछ सीन समझ में नहीं आया। अब ये देखो क्या है मतलब क्या है हेलो मेरे को लगा कुछ ग्लिच से बंदा नहीं दिख रहा होगा उसका गन से हो रहा होगा लेकिन ऐसा कोई सीन ही नहीं था। अब देखो M249 का फ़ायदा मतलब मैं बजाते हुए सीधे ढोलक उसके छाती पे पहुंच गया जिससे वो आराम से किल हो गया। उसके बाद मैं बंदा ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आता हूँ तो कुछ पेटी टाइप का दिखता है और यहाँ पे एक बंदा होता है जिसको कि मैं व्हीकल से नॉक कर देता हूँ फूटी भी लटका के। और बाकी के जिसको टीममेट होते हैं मतलब मेरे टीममेट ने मार दिया यार मतलब किल लेना बहुत मुश्किल था इस वाले लॉबी में क्योंकि बहुत तगड़े तगड़े मतलब टीममेट मिले थे। तो मिल चुका है हमें एक और सूखा सा चिकन डिनर। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ ही चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और ये वीडियो मतलब
कोई प्रमोशन नहीं होने वाला, हम एक फन के लिए खेले थे, तो मिलते किसी और भी।